Trust me, guys, this place is better than Mussoorie. Trust me. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम निकल चुके हैं एक और नई ट्रिप के लिए। अभी रिसेंटली हमने शिमला की ट्रिप करी थी, बहुत ही सस्ते में। आपने नहीं देखी तो देख के आइए पहले। और तीन चार दिन हुआ होंगे हमें निकले हुए और हमने एक और ट्रिप के लिए जा चुके हैं। चैनल तो 10 लौंडे 5 बाइक अपनी अपाचे पल्सर बुलेट NS डिक्सर है, ठीक है। क्या हाल है, जोर से बोलो। चलते हैं अपनी ट्रिप पे, लेट्स लाउंज निकल रहे हैं हम। अभी हैं मेरठ के आसपास, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, और निकलते हैं, आपको मिलते हैं पहले रास्ते पे। तो भारत माता के बंदे, चलते हैं, चलो मिलते हैं आपको, बाय बाय। दोस्तों, चोर 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 चोर, ये चोर मचा है चोर। कैसा लग रहा आपको गन्ना चुरा के सर? कैसा लग रहा है? अच्छा सॉरी, उठा लिया। I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it. हेलो दोस्तों, तो हम जा रहे थे अपन लेंस डाउन, और ये रास्ते में पड़ा अपना हैदरपुर वेटलैंड। आप देख सकते हैं हैदरपुर वेटलैंड है यहाँ पे, और इसकी टिकट 50 रुपीज पर पर्सन है। आप यहाँ से जा सकते हैं, जूम मत करो ठीक है सिलो, यहाँ से जा सकते हैं। एंट्री यहाँ से 50 रुपीज़ पर पर्सन है, और यहाँ पे एक क्लॉक टावर देखने को मिलता है अंदर, जहाँ से 360 व्यू आता। एक्चुअली गंगा वह के आ रही है, आप इधर देखिए गंगा विराज है, और यहाँ पे डैम बनाया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, ऐसा एक नंबर, मतलब इसे देख के दिल खुशी हो गया। ऐसा व्यू तो हरिद्वार में भी देखने को नहीं मिलता ना, ऋषिकेश में तगड़ा व्यू है, और एकदम ब्लूइश वाटर है, हल्का सा ब्लूइश बोल सकते हैं, और तगड़ा वाटर। और आप अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे, यानी बर्ड्स, काइंड ऑफ बर्ड सेंचुरी है, बाहर के बर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप ये घूमना कंसीडर कर सकते हैं, लेंस डाउन के रास्ते में पड़ता है, बढ़िया जगह है। फिलहाल तो हम चलते हैं अपन लेंस डाउन, वापस से कंटिन्यू करते हैं उसी रास्ते को। और ये अपने अथर भाई आ चुके हैं, चलें वापस, चला जाए, चलो चलते हैं अपने वापस। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको लेंस। चुका है उत्तराखंड में, आप सभी देख सकते हो उत्तराखंड की वायु आना शुरू हो गई है। यहाँ से बस 39 किलोमीटर के आसपास बसा है, और यहाँ कोई मंदिर है, तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हमें ठंड लग रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और हम पहुँचने वाले हैं, बहुत ही जल्द पहुँच जाएंगे। और मैं सुबह के निकले हुए हैं, शाम होने को आ गई, 12 घंटे हो गए हमें राइड करते करते, अभी तक पहुँचे, जरूर पहुँचेंगे, ठीक है, चलिए चलते हैं। Stay up, I feel so outdated. How can we live?
out the other way. Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. अपने होटल लेंस डाउन यहाँ पे हमने अपने रूम बुक कर लिए, तीन रूम बुक किए हैं 10 लोगों के लिए, एंड दैट इज कॉस्ट अराउंड 1000 रुपीस पर रूम, ऑल 3000, ऑल ओवर 3000 पड़ा है तीनों रूमों का। और आपको मैं दिखाता हूँ हमारा रूम कैसा। हम बहुत थक गए यहाँ पर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन, ऑलमोस्ट मान के चलो आप 6 डिग्री के आसपास होगा, बहुत ठंड है। एक तो यहाँ पर कल आर्मी का एग्जाम है, इसलिए सारे होटल बुक है, सारे रूम बुक है, यहाँ पर कहीं जगह ही नहीं। जैसे जैसे होटल मिला है यहाँ पे, और इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है होटल पर रुकने की, ज़्यादा है नहीं होटल्स यहाँ पे, अंडर रेटेड जगह, और लोग मतलब कम लोग आते हैं, लेकिन अच्छी जगह है। आपको मैं रूम दिखाता हूँ उसे, ये हमारा रूम है, और ये हमारे मास्टर जी लेटे हुए हैं, और बड्डे बॉय, और आपको मैं बालकनी से व्यू दिखाता हूँ कैसा आता। ये देखिए जी, कोई व्यू व्यू नहीं है, अजीब सा व्यू है भाई, तगड़ा है, बहुत ठंड है भाई बाहर, और यार बहुत ठंड है। ठीक है, और ये अपना है व्यवस्था, ये काले कलर का डब्बा लग गया जिसका हम कोई यूज़ नहीं है। और एक्चुअली आपको मैं एक और बात बता, हम ना सोए नहीं है बहुत टाइम से, आज का पूरा दिन, उसके बाद पूरी रात, उससे पहले हाँ कल दिन में उठ गया था, उसके बाद सोया ही नहीं। सो खाना वाना खाया जाएगा और 12 बजे इसका केक कटेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज 13 नवंबर 2022, और अभी हमें लैंडसाउन, तो अभी हम होटल से निकल चुके हैं, एंड यहाँ पे कोई सनराइज पॉइंट है जिसको लेके सब कंफ्यूज थे कि सनसेट पॉइंट है, केक लगाया है आपको सब आए थे प्रोबेबली। हाँ तो, और हम भाग रहे हैं कहीं सन ना भाग जाए गलियों में, तो अभी हम फटाफट जा रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं कैसा लगता है लैंडसाउन से सनराइज। कहाँ जा रहा है? लेफ्ट साइड। ओके, उन्होंने रात को बाइकें वगैरह यहीं लगा दी थी क्योंकि नीचे वैसे भी लेके जा नहीं पाते। अब एक स्टार्ट देके देखते हैं। अब वापस आ चुके अपने होटल, 8:43 हो रहा है, एंड ये कुछ बालकनी टाइप इन्होंने बना रखा है, मैं आपको बैक कवर दिखाता हूँ। तो ये देखो लैंडस्केप ऐसे ही स्टेप्स वाइज आ रहे, बहुत ज्यादा वो आप मसूरी वगैरह की तरह बहुत स्टेप्स नहीं है, काफी डिलाइट है आप मामला अगर कहोगे तो। ये देखो यहाँ से रास्ता सीधी जाए वो जाती है, एंड देन आप वहाँ से जा सकते हो। व्हीकल्स वगैरह है नहीं इस वाले को, यहाँ पे स्टेप्स हैं जिनके थोड़े पर्सनल व्हीकल्स उन्होंने वहाँ लगा रखे हैं। और ये देखो कौन है, श्रेयांश, हैप्पी फेस पीते हो, ए हट जा नू भाई, वीडियो खराब ना करें दोस्तों, लोकल लोकल है, बाल खराब हो गया क्योंकि ड्राइनेस आ रखी, अभी नहाया हुआ है नहीं, बस नाश्ता वास्ता कर गया है। और ये है दूसरा रूम, हाँ जी गुड मॉर्निंग, बाहर इनसे जाया नहीं गया है, घर बैठे सब चाहिए, इनके लिए छोले समोसे मंगवाए हमने, मंगवाए क्या खुद लेके आए हैं, तो किस तरह में बड़ा है। हाँ यार इंसिडेंट बता रहे तुम्हें क्या हुआ, ये लोग कुछ सन को देखने गए थे दोस्तों, जो मैं रोज देखता हूँ वो देखने लोग गए थे, मैं नहीं गया क्योंकि सर्दी लग रही थी मेरे को, तो मैं नहीं गया, धूप निकल जाएगी उसके बाद से वो मैं और अच्छे बजा गाने बजा रहे, उसकी वजह से कॉपी राइट तो हमें मुझे क्या है। तो एक प्रॉब्लम हो गई, अभी मैं इससे ब्लॉग बना रहा था, देखो ये 13 प्रो मैक्स है और इससे मैं ब्लॉग बना रहा था, अचानक ब्लॉग बनाते बनाते मैंने रखा ये टेबल पे और ये बंद पड़ गया, अभी ऑन भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा,
जब आदमी इतना पैसा खर्चता है और उसके बाद भी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इतना कोल्ड टेम्परेचर भी नहीं था, कल ज़्यादा ठंडी थी, अब तो धूप निकल आई है, फिर भी ऑन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही समझ नहीं आ रहा। चार्ज 97% था और फिर भी अचानक चलते चलते बंद पड़ गया, अभी ऑन भी नहीं हो रहा यार। वो तो खैर वारंटी में है तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट जब आदमी इतना पैसा खर्चता है आईफोन में और ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं जो बहुत बेकार है, सिली सी प्रॉब्लम है, तो किसी एमआई के फ़ोन में देखने को मिलते हैं। अगर मुझे ये सब प्रॉब्लम झेलनी होती तो एमआई का फ़ोन नहीं लेता, क्यों 130,000 खर्चता हूँ इसमें। अगर एप्पल इंडिया आप लोग उस ब्लॉग को देखें तो प्लीज़। अब आगे का ब्लॉग ऊपरों से बनाएंगे और जैसे शिमला का बना रहे थे ऊपरों से बन रहा था, इसको रखते हैं और सर्विस सेंटर पर दिखाएंगे जाके, क्योंकि नोएडा जाके वहीं होगा सर्विस सेंटर, यहाँ तो मुश्किल है, सो वहाँ चल के दिखाते हैं और देखते हैं क्या होता है, ये नया फ़ोन देते हैं इसके बाद। तो हम आ चुके हैं भूला ताल, आप देख सकते हैं, और पार्किंग पीछे फ्री पार्किंग है, लगा सकते हैं। मेरे होटल से सिर्फ 1 किलोमीटर ही था और ये मार्केट एरिया में ही है। यहाँ पर काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं बैठे, धूप अच्छी निकल रही है, यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह भी और नो पॉलीथीन, बढ़िया भी है, पॉलीथीन हमारे नेचर को बर्बाद करता है। यहाँ बोटिंग वगैरह भी होती है, एक्टिविटीज़ भी होती हैं। बाकी के अपने लौंडे पीछे आना है, गुड मॉर्निंग बोलो सब। मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये मुझे वो लगता है वो शार्क टैंक में आता, क्या नाम है भाई, अश्नीर ग्रोवर। अश्नीर ग्रोवर, हाँ भाई, वही है। दोस्तों बच्चे खेल रहे हैं, ये देखें गोबर पानी चला जाएगा, अच्छा आइडिया, रुक अरे आप पानी डालो, आप बोला तो सही बात, आजा वाड़ा। और बच्चे खेल रहे हैं, ये देखें हेलो, सेफ ड्राइव, सेफ ड्राइव, ढंग से बताओ नहीं भैया डूब जाएंगे, यहाँ पे चार बंदे हैं, देखो इसको बोटिंग का पानी का टेंपरेचर बहुत ठंडा है, इसका मार होगा, टेस्ट करते हैं भाई, मत फेंको यार, हम भी टेस्ट करते हैं, देखो कितना ठंडा पानी है, रेस लगाएंगे तो एक्सीडेंट हो रहा है दोस्तों, रेस लगाएंगे हम जल्दी दोस्तों, मैं पकड़ ना पाए दोस्तों, ओए यार अब इनके इनको रोकते हैं, रुक जा, पीछे आ रहा हूं, उल्टा हुआ जी। तो आप यहाँ पे बोटिंग कर ली हमने, ऑलमोस्ट हमने 15 से 20 मिनट बोटिंग करी है, ये पहली लेक देखी, इसमें टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, और आप खुद ही बोट करते हो तो आपके साथ कोई नहीं बैठता, बस आप जाते हो, 40-50 फीट गहरी है आराम से। और दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे बढ़िया लगी मुझे, पानी बहुत ठंडा था, नेचुरल लीक थी, एक लेक थी एक, और एक्सीडेंट भी गए हमारे, बोट क्रैश भी होने वाली थी तो हम बच गए, ना जाने कैसे, तुम्हारे भाई को आती है बोटिंग इसलिए। और उसके अलावा ट्रस्ट मी गाइस, दिस प्लेस इज बेटर देन मसूरी, ट्रस्ट मी, मसूरी से पास है, मसूरी से सस्ता है, टूरिस्ट कम है, बहुत अच्छा है, ऋषिकेश से भी अच्छा है, रिवर यहाँ पे मिलती है, पहाड़ आपको बेटर मिलते हैं, ठंड ज़्यादा मिलती है, टूरिस्ट कम मिलते हैं, बोटिंग का एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको यहाँ पर, कैंपिंग का एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको यहाँ पर, उसके अलावा राफ्टिंग नहीं होती है यहाँ पर शायद, बस ये है। और यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह, यहाँ पर खाएंगे, एक झूला है उधर बहुत बड़ा, वो झूला है, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों मैं उड़ता तीर लेना ही कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, हाथ ऐसे रखना, बहुत प्रेशर है मोंटी को फोन करने का, नहीं तुम्हारे वक्त का नहीं है, अरे ये मरने वाला है सर, दोस्तों इसको सॉफ्ट आंच से बोलते हैं,
क्योंकि निशाना वो बाद में लगा रहा, मुझे पूरा भरोसा वो यहाँ वहाँ कहीं निशाना नहीं लगा पाएगा और दूर ही जाएगा उसको। और दोस्तों देख लो, देख लो, मुझे पता था, देखा दोस्तों बोर्ड पे निशाना नहीं था इसका, मेरे पैरों में मारा इसने। अगर ना सामने भी खड़ा हो जाओ ना तब भी यार निशाना नहीं लगा सकता। दोस्तों आप ट्रैकिंग कर सकते हो, कितना अच्छा लग रहा। और ये पहाड़ चढ़ के जाऊंगा दोस्तों पूरा मैं, क्योंकि मैं जाना। मॉन्टी वर्सेस वाइल्ड, जहाँ वाइल्ड एक रेस्ट मिल जाए दोस्तों, थक जाऊंगा। टू टफ मैन। दोस्तों ये चर्च आप देख सकते हैं और यहाँ पे कितना प्यारा व्यू आ रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। आप पीछे देख सकते हैं, पीछे भाई स्नो वाले पहाड़ दिख रहे हैं पीछे, और बहुत तगड़े पहाड़ हैं, मतलब इतने ज़्यादा क्लियर हैं, बहुत दूर तक का दिख रहा है। हाई डायनामिक रेंज जिसको बोलते हैं, HDR वीडियो का फॉर्मेट होता है जिसमें दूर तक दिखता है डायनामिकली। तो आप यहाँ से देखिए कितना तगड़ा व्यू है, मतलब नेक्स्ट लेवल वाली। टू बी ऑनेस्ट लाइक ऑन इंटरनेट वी सॉ कैफे, जिसका नाम था ट्रैवल्स कैफे एंड जस्ट लाइक अनदर कैफे। हमने जस्ट सोचा कि चलो ठीक है, कुछ जस्ट पास में दिख रहा है तो हम आ जाते हैं। यहाँ पर रेज आ रही है कहीं कहीं से, आप खुद ही देखें, देखो वो देखो वहाँ पे भी लाइट आ रही है कहीं कहीं, नहीं यार वो एकदम छाँव में कहीं पे एकदम डार्क, कहीं पे लाइट आ रही है। ये चिकन क्या है, चिकन ले जाएंगे, ऑर्डर आया है। ये बहुत गंदी चीज़ है दोस्तों, आप हो सके तो वेजिटेरियन में आ जाओ, आप नेचर के इतने क्लोज हो तो मतलब प्लांट्स बेस्ड फूड पर सिर्फ हो जाओ, नहीं तो तुम ये जमाना कर देगा तुम्हें, मतलब ये नहीं कन्वर्जन करवाते हैं लोग का, लेकिन आप हो जाओ वो बेस्ट है, कनेक्ट हो गए तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि किलिंग समवन फॉर योर सेटिस्फैक्शन फॉर स्पेशली फॉर फूड इज नॉट, किलिंग समवन इज फॉर योर टेस्ट इज नॉट गुड एक्चुअली। या तो आपके पास फूड अवेलेबल है नहीं, देखो यहां हाईवे वगैरह अवेलेबिलिटी है नहीं, कितने प्यारे दिख रहे हैं, ठीक है, आपके पास फूड की अवेलेबिलिटी है, प्लांट बेस्ड फूड अवेलेबल है, हमारे किसानों का खाना सस्ते में बिक रहा, आप वो खाना शुरू कर देंगे तो फिर वो भी महंगे हो जाएंगे, वो भी सुखी आप भी सुखी है ना। इकोनॉमिक्स मत सिखाओ, और दूसरी चीज़ आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आप डीप टर्म में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि प्लांट बेस्ड फूड इज गुड फॉर हेल्थ। जात्रा सेलेब्स अपने विराट कोहली भी, सो आप यहाँ पे एनएस देख सकते हो भाई, क्या तगड़ा व्यू है पीछे, आप देखिए कैमरा स्विच कर भाई, कैमरा ले, एक तो इतनी शांति यहाँ पे, ची पी आवाज आ रही है जो जंगल में से आवाज आती है। देखिए पहले चाय पीता हूँ फिर बात करता हूँ आपसे। इसका नाम है ट्रैवल कैफे और चाय में चीनी नहीं है तो आप प्लीज़ ज़रूर आएँ इस पर, बहुत ये नेचर से कनेक्टेड है, बहुत बहुत अच्छा लगता है उस पर आने में, सो आप ज़रूर आएँ प्लीज़। ये अब दो हिल देख रहे हैं ना, ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, इन दो हिल के बीच में रोड है ये, दिस इज NH। अब 5:30 कैसे कर गए, आई डोंट नो व्हाट द नेम, बेसिकली इट्स आपको ले जाता श्रीनगर डायरेक्ट कोटद्वार से। सो पीछे बाप से ढका हुआ पानी, we'll be right back.
चलो दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं एंड। ये है पीछे चर्च, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे घूमने आ सकते हैं, यहाँ पे मूवी भी दिखाई जाती है, यहाँ पे कोई थिएटर भी है। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट लोकेशन पे। बाइक की शायद अब लास्ट ट्रिप थी, थोड़े कुछ महीने ब्रेक लिया जाएगा, 3-4 महीने, बाकी की ट्रिप अब ट्रेन से होंगी या डायरेक्टली या फ्लाइट से होंगी, क्योंकि अपन वंदे भारत हर जगह कनेक्टिविटी है, मोस्टली जगह जहाँ हमें जाना है। सो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपको किसी दूसरे ब्लॉग, बाबा टाटा, सी यू, टिल देन बी हैप्पी।